क्लासेस मैं हूं तबिता और अब हम करने वाले हैं अनफेवरेबल लीवरेज का पार्ट। इससे पहले वाला पार्ट गाइस ऑलरेडी काफी लेंथी था तो इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपको अनफेवरेबल तभी समझ आएगा जब आप उससे पहले वाली वीडियो देखोगे, ठीक है। तो ये वीडियो कंटिन्यूअस फॉर्म में जब देखी जाएगी तभी इसको समझ सकते हैं हम लोग इजिली। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अनफेवरेबल लीवरेज क्या होता है, ठीक है। मैं अगेन एक चीज बोल रही हूँ, पहले पहले वाली वीडियो देखना, अदरवाइज ये बिल्कुल ऊपर से जाएगा। तो देखो क्या है, मैं आपको उस वाली वीडियो में यही बता रही थी कि भाई शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम लोग डिबेंचर लोन्स वगैरह इशू करते हैं, लेकिन तभी बेनिफिट होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन वो बेनिफिट सिर्फ एक केस में होता है, जब आपका ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होगा तभी। अगर आपका ROI कम है और आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, लोन इशू कर रहे हो, तो उससे आपको नुकसान होने वाला है। वो अब हम थर्ड एंड फोर्थ केस में देखेंगे कि कैसे नुकसान होता है। सबसे पहले देखो हम लोगों को कितनी कैपिटल की नीड है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में गाइस लिया है 30 लाख रुपीज़, ठीक है। हमें कितने कैपिटल की नीड है, 30 लाख की। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसमें हम कोई भी डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, सिर्फ हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है। सेकंड केस हम ले रहे हैं जिसमें हमने 20 लाख रुपए थे हमारे पास शेयर के और हमने डिबेंचर भी ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डिबेंचर लेना चाहिए या नहीं किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके इंटरेस्ट रेट पे और कंपनी की अर्निंग पे। हमें उसे कंपेयर करना होता है। सो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं EBIT को किससे, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट है, सो दैट हमारा ROI निकल सके। सो पहले वाले केस में तो 4 लाख रुपए अर्न कर रहे थे हम लोग, तो हमने धड़ाधड़ से पैसे डिबेंचर से इशू कर लिए। बट इस केस में अभी हम देखते हैं, देखो इस केस में कंपनी की अर्निंग है 2 लाख रुपए, ठीक है। EBIT कितना है, 2 लाख, और कितने रुपए लगाने पर, 30 लाख रुपए लगाने पर 2 लाख रुपए अर्न कर रही है। तो 2 लाख 30 लाख का कितना परसेंट होता है गाइस, 5 से 5, तो ये आ जाएगा गाइस 6.67% या 6.6% आया। यानी कि हमारी अर्निंग जो है ना, हमारी अर्निंग है सिर्फ 6.67%, यानी कि हम जितना पैसा लगाते हैं उसका 6.67% अर्न करते हैं। तो यहाँ पे 6.66 ले लो या 7 ले लो। अब हम तभी डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लोन इशू करें, जब हमारा इंटरेस्ट रेट इससे कम हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और आप इशू कर दोगे तो क्या सिचुएशन होगी, अब देखते हैं। देखो अब हमने पहले केस में ना, कंपनी समझदार थी, उसको पता था कि उसकी अर्निंग 6.66 है, तो उसने कोई भी डिबेंचर इशू नहीं करा, इस केस में डेट इशू नहीं करा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है। उसने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। अब 30 लाख रुपए के पर हमने कमाए 2 लाख रुपए। अब मैंने आपको बताया था EBIT में से सबसे पहले I जाता है, फिर T जाता है। दैट इज I मतलब इंटरेस्ट, T मतलब टैक्स। इंटरेस्ट हमारा कुछ नहीं था, तो 2 लाख में से कुछ भी नहीं गया, तो 2 लाख रुपये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स हमने रेट माना गया 30%, आप 40 भी मान सकते हो। 30% अगर हमने माइनस किया तो 2 लाख का 30% होते हैं 60,000, माइनस कर दिया। अब हमारे पास अर्निंग आ गई 1,40,000। 1,40,000 अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बताया, दैट इज आपके जो भी अर्निंग है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 30 लाख रुपए की कैपिटल में अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3 लाख। तो अगर आप 1,40,000 को डिवाइड करोगे 3 लाख से तो आपका आंसर आएगा 0.47। यानी कि आपको अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर आप कितने पैसे कमा रहे हो, 0.47, ठीक है। अब कंपनी के पास एक तो ये ऑप्शन था, लेकिन अगर कंपनी गलती कर दे इस केस में, क्या डिबेंचर या लोन लेकर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है, हमें कंपेयर करना होता है। कंपैरिजन में हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं करना, हमें डिबेंचर इशू नहीं करना। अगर करते हो तो क्या होगा, देखो 20 लाख के शेयर्स थे, 10 लाख हमने लोन पे उठा लिया, इनकम तो 2 लाख ही थी, 2 लाख अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से अब हमने इंटरेस्ट पे किया,
10 लाख का 10% हुआ 1 लाख। अब हमारे पास आ गई इनकम 1 लाख, 2 लाख में से 1 लाख इंटरेस्ट दे दिया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स है 1 लाख। अब 1 लाख का हमें 30% टैक्स देना है, तो 1 लाख का 30% 30,000 हमने टैक्स दे दिया। अब बचे 70,000, शेयर होल्डर्स के हाथ में आए सिर्फ 70,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20 लाख अगर हमारे पास रुपए आए, 10 रुपए की एक चीज है, तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख। कैसे निकाला? 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो 70,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख 0.35। तो हमारी अर्निंग और शेयर होल्डर्स की क्या हो गई? कम हो गई, 0.47 से वो डिक्लाइन हो गई 0.35 हो गई। तो इस केस में हम लोगों को डील नहीं करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अनफेवरेबल लीवरेज। तो ऐसे केस में हमें डील नहीं करनी चाहिए, हमें अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जिसमें हमारे शेयर होल्डर्स के प्राइजेस, शेयर्स के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हो, हमारे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट हो रहा हो, तो वो चीज़ हमने नहीं मेंटेन करी। जबकि इस वाले केस में जब हमारी इनकम ज़्यादा थी, हमारा आरओआई ज़्यादा था, तो हमने देखा कि हमें डील करने पर इनकम बढ़ गई थी, कंपैरेटिवली बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर्स में डील करने पर इनकम घट गई है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेवरेबल एंड अनफेवरेबल लीवरेज। आपको तभी डील करना है, आपको तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना है जब आपका आरओआई क्या हो गाइस, ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट से, तभी आपको डील करना है। सो गाइस, ये न्यू टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और अगर नहीं आया तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करना थ्रू दी इंस्टाग्राम मैसेजेस और यूट्यूब कमेंट। थैंक यू।